तिथा सीतो सीता महिमा माह। कहिंदे परमेश्वर दी महिमा विच जो मन सीता गया भाव तदाकार होया। सो इस जगह दे उत्ते कई बंदे विचार कर लैंदे सीता दा नाम दिता होना, नहीं सीतो सीता दा मतलब स्यौंता ही स्यौंता पिया, परमात्मा दे नाम विच राम नाम मन बेदी अले बिन्या गया है। मन बेदिया चरनार बिंद दर्शन लगड़ा साह, उन्हां दा मन चरना कमलां विच बिन्या गया है। सीतो सीता जिवें कपड़े नूं सूई नाल स्यौंदे चंगी तरह, इउं इक मिक हो जांदी सूई धागा कपड़े दे विच, इउं रब दे प्यारिआं दे हिरदे विच तिथै सीतो सीता महिमा माह है। रब दी महिमा दे विच उन्हां दा मन स्यौंता ही स्यौंता पिया है, उन्हां दे हिरदे च परमात्मा साख्यातकार हो गए ने। जिस हिरदे आकाश विच परमेश्वर दी महिमा रूप माहे तो भाव चंद्रमा चढ़ गया, उस हिरदे विच सीतो सीता तो भाव शीतलता ही शीतलता भी है, शांति भी है, एकाग्रता। शीतलता बहुत ही ज्यादा, शांत चित, इस करके ये शीतलता का वर्णन नहीं हो सकता। महाराज नूं कहण लगी संगत, महाराज जिहड़ी मन च ठंड कहने पैंदी है चंदन वर्गी हुंदी, चंदन बहुत ठंडा है। महाराज कहने नहीं भाई, कहने महाराज चंद्रमा की शीतलता वर्गी हुंदी, कहने नहीं। कहने महाराज फिर जिवें सर्दी की तो ठंड हुंदी इही जी हुंदी, कहने नहीं भाई। कहण लगे महाराज फिर वह कही जी हुंदी, कहने चंदन चांदना सरद रुत मूल ना मिटई काम, शीतल थी वह नानका जपंदड़ो हर नाम। कहने नाम दे नालों शीतलता हिरदे च प्रगट हुंदी है, इस करके वह हिरदे दे विच उन्हां दे राम दा नाम परमेश्वर दा नाम भरपूर है। अपने अपने ढंग नाल हर कोई उहदा नाम लैंदा है तां इक्को ही, पर जिन्हें जिस निश्चय नाल भाख्या भाओ अपार, भाख्या जिन्हें मूँह चो भाख्या की बोलिया, कोई बोलिया राम राम कोई खुदा है। इस करके कोई राम राम बोलता कोई खुदा बोलता, कोई अल्लाह कहिंदा कोई होर कुछ कहिंदा, कोई गॉड मैरी कहिंदा, परमात्मा का नाम लई जांदे है, सारे इक्को ही, पर कहण वाले आपो अपने ढंग नाल उहदा अभ्यास करी जांदे ने। ब्रह्म ज्ञान हरेक नूं दिंदे परमात्मा। सो जिवें आपां सोचदे कि इत्थे लोग सारे इदां दे होणगे, नहीं, इत्थे भी किसी अंग्रेज ब्रह्म ज्ञानी नाल गल होई, किसी गुरसिख ब्रह्म ज्ञानी महापुरश दी, कहिंदे आप जी दी महाराज गिणती किन्नी क्या अमरीका कनेडा इधर सारे, कहिंदे इस वक्त 250 ब्रह्म ज्ञानी इत्थे बैठा अंग्रेजां विच भी। कहिंदे पर सानूं हुक्म ही नहीं हो रहा कुछ करन दा, बस समाधियां ला के बैठे, इन्ने इन्ने सारे थां बैठे ने, क्योंकि आपां नूं हुण इह लगदा कि दुनिया च कोई है ही नहीं। वह इस करके लगता कि उन्होंने हुक्म ही नहीं, वो कहने इन्ने गुप्त होकर बैठे ने किसी बंदे नूं पता ही नहीं, सिर्फ एक दूजे नूं ये उदों पछाणदे ने जदों इन्हां दी निगाह खुली हुंदी करके प्रकाश एक दूजे नूं दिखदा। सो ऐसे ही बचन आया एक, सो एबसफोर्ड तो कोई सिंह आए सी एक बार, बहुत पुरानी गल, 20 साल पुरानी 30 साल पुरानी, न्यूयॉर्क आए सी। वह कहने साडे नाल कोई बहुत उच्च कोटी के गुरमुख प्यारे गुप्त रूप दे विच सीगे, वह नाम जपण वाले, किसी नूं दसदे नहीं सी हुंदे मैं कौन आ, हुण भी हैगे ने, हले तक मैं आप भी नहीं दर्शन किए उन्हां दे, ना ही वह किसी नूं मिलदे ने। बस कहने ठीक है भाई ठीक है, कोई मिलन की लोड़ नहीं, सब ठीक चल रहा। सो उस वक्त जदों आए दो तीन सिंह नाल सी, उन्हां टिकटां लईयां ट्रेन दीयां 4, कहिंदे एक लड़की रोई जावे गड्डी च अंग्रेज, मेरी टिकट गुम हो गई हुण मैनूं औखा, मैं ड्यूटी ते जाणा, मैनूं पुलिस ने फड़ लैणा। वह गुरमुख कहिंदे कोई नहीं पुत, तू आ टिकट मेरी लै ला, मेरी कोई गल नहीं, तू ड्यूटी ते जा। वह बहुत खुश हुई भी देखो भी इन्हां ने मैनूं टिकट देती अपनी। जदों कहिंदे असीं उतरे, हुण कुदरती सी पुलिस ने फड़ना ही सी, कहिंदे फड़ के सानूं लै गए जज दे कोले।
कहने जब जज दे कोल गए भरी सभा दे विच जज बैठा कहने जदों एकदम आके जज बैठा बैठते ही एकदम उठ के खड़ा हो गया। उस वक्त कहिंदा मैनू माफी देना सारे 15 मिनट लई मैं लेट करांगा शुरू काम अपना। कहने आ जिहड़े चार जाने बैठे ने मिस्टर सिंह तुसी आ जाओ जरा कमरे च। कहने वो कमरे च बुला लिया सानू उन्होंने। कहने असी सोचिया बई साढ़े ते खानी केस ज्यादा ही पाउणगे कुछ या सानू सख्ती करेगा जज, पता नहीं किन्नी की झाड़ झंब होनी साड़ी। कहने जब असी कमरे च गए कुंडी ला के जज बैठ गया। वो सिंह मूहरे हाथ जोड़ के कहिंदा जिहड़े खुदा नू लभदा सी परमात्मा नू मिल गया। वो सिंह हसण लग पिया कहिंदे मिल तां मैनू भी गया। एक दूजे नाल गल्लां बातां करदे कहिंदे असीं बड़े हैरान तिन्ने जाणे भी इह इहनां नू की हो गया। वो कहिंदे बड़ी किरपा तुहाडे ते। वो कहिंदे तुहाडे ते बड़ी किरपा। वो कहिंदे तुहानू पता किदां लगा? कहिंदे जद तुसीं आ के मैं बैठा ना तां इकदम प्रकाश ही प्रकाश देखिया तुहाडे दुआले। कहिंदा मैं सोचिया ओहो वी जिस परमात्मा नू लभदिआं इन्ना समा हो गया उह तां मेरे कोल बैठा। उस वक्त जा करके कहने आप च गल्लां बातां होईआं। कहने किन्ने चिर की कृपा? कहते 250 जन्म हो गया मैनू इस पासे। वो कहने मैनू भी काफी जन्म हो गए ने भगती करदिआं। अंग्रेज कहण लग्या परखण दा मारा कहने अच्छा चलो ये दसो मेरी जो पत्नी आ हॉस्पिटल दे विच आ की होएगा, लड़का होएगा या लड़की होएगी? सिंह कहना पता दे तुहानू भी तुसीं मैनू कहनू पुछदे हो? कहने नहीं मैं तसली करनी चाहुंदा मन दी। कहने तड़के 3:20 दे उत्ते लड़का होएगा तुहाडे घर। अंग्रेज कहना बिल्कुल सही है, 9 बजे ही होना लड़का मेरे घर। कहना हुण मेरी एक बेनती प्रवान कर लो। कहने की? साडे घर प्रशादा जरूर छको तुसीं। फिर वह सिंघां नूं प्रशादा छकण वास्ते लैके गया। वह कहने थोड़े केस की है? कहने टिकट ऐ करके वह लड़की लोगों नूं छड्डो परे नूं पाड़े कागज डस्टबिन सुटते। कहने जाओ कोई केस नहीं है। तो इस करके महाराज सच्चे पातशाह दे प्यारियां दा कोई पता ही नहीं लगता। एक दूजे नूं पछाण लैंदे ने पर आपां नहीं पछाण सकते। आपां भावें कोल दी लंघ जाइए अपने भाणे सारी दुनिया ही उही जी आ, उन्हां दे भाणे सारी दुनिया ही परमात्मा रूप है। तां सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे ने कि रब दे प्यारे जिहड़े ने ना ओहे मरहै ना ठागे जाहे जिन कै राम वसै मन माहे। जिन्हां दे हिरदे दे अंदर परमात्मा दा नाम दा वासा हो जांदा ना वो अग्ञानी पुरशां दी तरह ना वो मरदे ने ना ही ठगे जांदे ने। जिन्हां दे मन विच सारे रमिया होया अकाल पुरख आ के वसदा उन्हां नूं कोई ठग सकदा ना उन्हां नूं कोई मार सकदा। इस करके महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे ने राम दा परमात्मा दा वाहिगुरू दा नाम हिरदे च वसाउण लई सानूं अभ्यास करना पवेगा। क्योंकि आपां कई जन्मां तों एक जाप करते हाँ पैसा पैसा माया माया पदार्थ पदार्थ धियां पुत्र मेरे आ काम मेरे। वो साडे मन के अंदर ही बसे जन्मा जन्मा तो चीजा। हुण भी आपां जन्म लैके सारे जाने पदार्थां दा ही नां लैंदे आ परमात्मा दा नाम लैंदे ही नहीं। हुण उहनूं मन च बसाउणा चीज नूं। गंदी गल मन च झट बस जांदी न्याणे दे ते पढ़ाई कराउंदियां नींद आउंदी उहनूं औखा हुंदा जोर लाउंदा मेहनत करदा याद ही नहीं हो रहा। सारी ABC मसां याद करदा गिणती मसां याद करदा पढ़ाई मसां करदा ते उदा जिहदा मर्जी नाम पुछ लो आ किसे होर दा गलत बंदियां दा एक्टरां उक्टरां दा आ होर पता नहीं न्याणे नूं किन्नियां क चीजां याद हुंदियां ने जिहड़ी आलतू फालतू चीजां सारियां याद हुंदियां। पढ़ाई का नाम लै दो तो उत्थे न्याणा डिगना शुरू हो जाता। यह मन की दशा है। इस तरह आपां नूं देखो पुठियां गल्लां किसी ने सिखाइया भी नहीं होनियां वो आप ही मन च आई जांदियां ने। पुठियां सीधियां टेढ़ियां मेढ़ियां सब गल्लां मन च आउंदियां। हर एक दा नंबर फोन नंबर गड्डी नंबर घर नंबर इंडिया तक दे हर चीजा सब कुछ साडे मन च पर परमात्मा का नाम नहीं आउंदा। क्योंकि उधर नूं मन जाके खुश ही नहीं पर समझ पैगी कि नाम तो बिना कल्याण भी नहीं। इस करके सानू परमात्मा का नाम
बार बार अभ्यास करना पैंदा, बार बार अभ्यास करना पैंदा, किरपा मंगनी पैंदी। जप जी साहब दे पाठ, कदे मूल मंत्र दे पाठ करदिआं करदे फिर भी नहीं बसदा मन च, इन्नी मेहनत करन दे बावजूद भी फिर हौमे होण लग जांदी, मैं इन्ने पाठ करदा, मैं इन्ने बजे उठदा। वह जिहड़ा माड़ा मोटा नेड़े होण लगे सी वह होर दूर हो गए समका। हुण फिर इत्थे की चीज कम करदी, इत्थे बेनतियां, किरपा महाराज किरपा करो सच्चे पातशाह, मेरे तां हौमे होर वध गई। महाराज कहने जोड़े झाड़ संगत दे, जूठे भांडे मांझ, झाड़ू दे, सफाई कर। उत्थे सफाई कर जिथे कोई भी नहीं करता जाके, निम्रता च आ जा रहा। जे तू नीवा ना होया फिर नहीं कृपा होनी। जद ऐ देख लैंदे बिल्कुल मिट्टी हो गया, बिल्कुल निम्रता च आ गया, नीवा हो गया, भाई मंझ दी तरह, भाई मंझ नूं ऐ चंगी तरह रोलिया, खूह च डिग पिया अखीर लकड़ां समेत। अखीर महाराज सच्चे पातशाह फिर उठ के दौड़े, जाके खूह चो कढ के गल नाल लाया, मंझ प्यारा गुरु नूं गुर मंझ प्यारा, मंझ गुरु का बोहिता जग लंघणहारा। जदों ऐन बिल्कुल बंदा चरणा दी धूड़ी हो जांदा, उदों जाके सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह बख्शिश करदे ने। तां सतगुरु कहिंदे ना उह मरहै ना ठागे जाहे, ना उह मरदे ने आत्मक मौत, ना उह ठगे जांदे ने काम क्रोध लोभ मोहंकार रूपी ठगां तों, माया रूप ठगणी तों, जिन्हां दे हिरदे च नाम दा वासा हो गया। इस करके सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे ने तिथै भगत वसहै के लोआ, करहै आनंद सच्चा मन सोए। महाराज कहिंदे जिथे उपासना कांड वाले महात्मा बख्शिश वाले रहिंदे ने ना, उस जगह छोटे भगतां दे के तो भाव कितने ही लोग सेवा टहल करन वालियां दे वसदे ने उन्हां वास्ते, अथवा जिहड़ी उह अवस्था जिथे उह चले जांदे ने उस अवस्था विच किन्ने के लो तो भाव कितने ही लोगों के होर थावां तो आके भगत वसदे ने। सचखंड च कल्ले धरती तो ही नहीं जांदे, ब्रह्मंड विच होर भी सृष्टियां ने, उत्थे भी नाम जपण वाले ने, वह भी जांदे ने उत्थे। कहिंदे वह प्यारियां दी सेवा करन वास्ते होर भी भगत उत्थे जांदे ने। कहिंदे जिहड़े उत्थे रह के सेवा करदे ने उन्हां नूं की फल मिलदा? कहिंदे वह मन विच सच्चे परमात्मा का आनंद धारणा करदे ने, करहै आनंद सच्चा मन सोए, तिथै भगत वसहै के लो। कहिंदे बख्शिश कांड वाले जिहड़े ने कितने ही भगत लोग जिहड़े ने तिस परमात्मा च वसदे ने, उहदे विच लीन हो जांदे ने, विच ही समा जांदे ने। हौली हौली तूं तूं करता तूं हुआ, मुझ मैं रहा ना हूं, आपा परका मिट गया, जत देखा तत तूं, करै आनंद सच्चा मन सोए। वह उपासना वाले, वह बख्शिश वाले जिहड़े भगत ने ना, वह मन दे विच सच्चे वाहिगुरु का आनंद धारण कर लैंदे ने अपने हिरदे च, उन्हां दे मन दे च आनंद ही आनंद। असल आनंद नाम परमेशर का ही है, आनंद स्वरूप वाहिगुरु उन्हां दे हिरदे च वासा कर जांदे ने, वह आप ही आनंदित हो जांदे ने। सिद्धां ने बेनती की, महाराज वह वाहिगुरु फिर वसदा कित्थे आ? जिथे जाके तुसीं कहिंदे हो तिथै भगत वसै के लो, उत्थे उत्थे ऐ हुंदा, उत्थे वह कि थां जिथे आप जी कहने कि उत्थे ऐ हुंदा, वह कित्थे कि थां? महाराज जी साढ़े तां कदे वड्डे वडेरियां ने भी देखी होनी थां। महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे जिथे तक दी उपासना करिए ना उही थां दिखदा। तुसीं शिवलोक की आराधना की, शिवलोक दिखिया, ब्रह्मलोक दिखिया, विष्ण लोक दिखिया, पर यह थां नहीं कदे तुसीं देखी। वह महाराज थां कि सचखंड वसै निरंकार। कहने सिद्धो निरंकार परमात्मा प्रतख सचखंड विच वसदा, जाके उत्थे जाके अवस्था बनदी। जिथे जिवें एक बंदा कहिंदा सी कि यह सचखंड कोई नहीं, अखे दिमाग विच ही सारियां अवस्था, यह नास्तक परे तो परे पए ने अपने च, पुठियां गल्लां करन वाले परे तो परे पए ने। महाराज की बाणी ते किंतु दूजा बंदा नहीं करूगा कदे भी। बाहरले बंदे सारे डरदे आ वी बाणी ऐ आ बाणी, साडे अपने बंदे ही किंतु करदे ने, वह भी वह लोग जिहड़े नास्तक ने, वह भी वह लोग जिन्हां नूं कख दा ज्ञान नहीं।
जिन्हां दे अखबारां विच बड़े बड़े आर्टिकल आउंदे बाणी दे विरुद्ध, कदे उन्हां नूं जाके देखो, कई बार तो क्लीनशे भी हुंदा, कई बार उन्हें अमृत ही नहीं छकिया, उन्हें यह नहीं पता जपजी साहब की चीज है। जे पता भी हो चलो पांच ककार भी पहने होणगे तां उहदी कोई अवस्था ही नहीं, अमृत वेले उन्हूं पता अमृत वेले दा मूंह किधर हुंदा उन्हूं यह भी नहीं पता हुंदा। कई सारा कुछ खाई पी तुरे जांदे ने नाल फेर भी लिखदे ने, उन्हां नूं पता ही नहीं प्रयोजन की है, क्यों चीज लिखी है। अज तो इन्ने सौ साल पहला विच इन्ने ब्रह्म ज्ञानी महापुरश हो चुके पंथ विच, उन्होंने तो कदे नहीं कहा। ब्रह्म ज्ञानी जिन्ने भी होए ने हुण तक, हुण भी बैठे ने, उन्होंने तो कदे नहीं कहा कुछ भी। ये जिन्नियां बाणियां दा लोग रौला पाउंदे ने, आ नहीं ठीक लिखिया, आ नहीं ठीक लिखिया, ये 300 साल पहला नहीं लिखता है। दसवें पातशाह दे हत्थी लिखिया होया जिहड़ा खरड़ा, वह महाराजा नाभा दे घर हुण भी पिया। महाराजा नाभा ने लखां रुपये दे के वह खरीद के किसी बंदे तो अपने घर रखिया हुण तक, क्योंकि महाराजा नाभा नूं शौक सी दसवें पातशाह दी जिन्नियां चीजां ने ना, शायद राजा रिपदुमन सिंह सी उन्हां दा नाम, तो वह देखो लिया के भावें कोई कहे ना कंघा दसवें पातशाह का पीर बुद्धू शाला, हाँ जी किन्ने पैसे लेने गल करो, जे तुसी नहीं संभालते लियाओ, उहदे घरे आ वह इन्नियां चीजा उहदे घरे ने भी महान कोश विच देखो पढ़ के। महाराजा नाभा, महाराजा पटियाला, इन्हां दा सारा ब्यौरा लिखिया है इन्हां दे घरां च की आ दसवें पातशाह ने देना। महाराजा नाभा दे घरे की पिया, कितनिया चीजा दसवें पातशाह ने महाराज नाभा के घरे पे, दसम ग्रंथ के पत्रे उहदे घर महाराज के टाइम के लिखे हुए पे ने हुण तक, वह खरीद के रखे हुए ने उहदे, पर वह दर्शन कराउंदे ने किसे किसे नूं, महान कोश विच सारा कुछ लिखिया होया। सो इस करके कहिंदे ने भी किसे नूं इन्हां गल्लां दा ज्ञान ही नहीं। सियाणिया पुरशां तां इत्थों तक जिवें इन्ना रौला पैंदा, महाराज नूं भी पुछ लिया, महाराज ने तां यस करती, साडा ही सारा कुछ असी आप ही करवाया, सिक्ख्या देण हित लिखिया ताकि भटके ना कोई, असी किसे होर निशाने नूं चीज लिखदे हां लोग उहदा गलत अर्थ कढ़दे ने, गलत मतलब कढ़दे ने। इस करके महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे लिखिया तां सारा सिक्ख्या नूं ही सी, पर कहिंदे जिहड़ा मेरा पुत है मेरा सिख है वह ना कदे उल्ट बोलूगा मेरे, जिहड़ा मेरा पुत नहीं जिहड़ा मेरा सिख नहीं जिहदे मन च शरदा नहीं उही उल्ट बोलूगा मेरे। कहने उहदे नाल ना रलियो तुसी, उहने तां नरकां नूं जाणा ही जाणा, उहनूं तां सजा मिलनी ही मिलनी है, पर मेरे सिख पुत उहदे नाल तुसी ना रलियो, ना ही उहते विश्वास करियो, ना ही उहदे वल जायो, किसे दी लिखत वल ना जायो। जे गलत हुंदा तां बाबा दीप सिंह कह दिंदे, भाई मनी सिंह कह दिंदे, संत बाबा सुंदर सिंह खालसा कह दिंदे, बाबा गुरबचन सिंह खालसा कह दिंदे, रामपुर खेड़े वाले महापुरशां नूं कह दिंदे भाई आह चीज नहीं पढ़नी है गलत है ये बाणी नहीं है। तो इस करके इन्हें बड़े ब्रह्म ज्ञानी होए ने वो एवें होके चले गए संसार तो, 300 साल पहले चीज लिखी हुई अज ही रौला पाउणा सी इहदा। इस करके महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे ने कि सचखंड वसै निरंकार, सतसंगत रूपी सचखंड विच निरंकार वसदा। निरंकार दे दो ही थां ने, एक इत्थे जिथे आपां बैठे हां, एक परलोक सचखंड, दो ही थां ने जिथे निरंकार का प्रतख वासा हर टाइम हरिमंदर साहब के अंदर वासा है निरंकार का। हरिमंदर साहब बारे कौन की जाने, आ मोटिया अखा जानदे कितने, इन्हों मोटिया अखा हरिमंदर साहब की देखता, कुछ भी नहीं देखता। जिन्ना हरिमंदर साहब इन्हों मोटिया अखा देखता, जदों अंदरलिया अखा खुल दिया तो उत्थे जदों देखता बंदा हैरान रह जाता भी इन्ना कुछ हरिमंदर साहब के विच, सानूं तां पता ही नहीं सी हुण तक। इस करके हरिमंदर साहब च बड़ी बख्शिश अकाल पुरख की, सो अकाल पुरख का बस हरी का ही मंदिर है। कह सकते सी गुरु नानक मंदिर थापिया, मैं गुरु अर्जन मंदिर थापिया, क्यों कहा उन्होंने कि हरिमंदर साहब है, क्योंकि वाकई हरी का मंदिर है, परमात्मा का अपना मंदिर। कर कर वेखै नदर निहाल, जिस वेले उपासना कांड वालिया उत्ते नदर करके वेखा कृपा दृष्टि नाल परमात्मा देखदा ना, तां उहनां नूं निहाल निहाल करदा। हाल नाम दुखां दा, मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहना,
हाल नाम दुखां दा है। ने तो भाव हुंदा रहत, ने हाल निहाल, कर कर वेखै नदर निहाल। वो नदर करके जो वेखदा ना परमात्मा कृपा दृष्टि नाल अपने प्यारियां वल तकदा, निहाल कर दिंदा, दुखां तो रहत कर दिंदा अपने प्यारियां नूं। इस करके सचखंड वसै निरंकार, सच्चा जो निरंकार है भेद भाव तो रहत, उहदे विच सारे वसदे ने, उह सारियां विच वसदा। सागर मैं बूंद, बूंद मैं सागर, आपां उहदे विच आ, उह साडे विच आ। तूं दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे, जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल, जिस नौ तू जाण आएह सोई जन जाणै, हर गुण सद ही आख वखाणै, जिन हर सेव्या तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर न कोए, तू कर कर वेख्या जाणै सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। कार कर वेखै नदर निहाल, जिस वेले वह बख्शिश काण वाले वड्डे भगत लोग छोटिया भगतों ते कृपा दृष्टि करते ने, वो उन्होंने अगे निहाल करी जाते ने। तिथे खंड मंडल वर भंड, जिथे कर्म तो भाव बख्शिश काण वाले भगत रहिंदे ने, उस जगह दे उत्ते काम आदिक अशुभ गुणा का खंडन हुंदा, सत संतोख आदिक शुभ गुणा का मंडल स्थापन हुंदा, क्योंकि उन्हों का अपना अंतकरण रूप भांडा जिहड़ा ना वर तो भाव श्रेष्ठ है, अते होर ना जगियासुआं दे अंतकरण रूप भांड तो भाव भांडे नूं श्रेष्ठ करदे ने। अपना भांडा नाम दा भरिया होया, दूजे दे भांडे नूं स्थापित करदे ने। जे को कथा है तां अंत ना अंत, जे कोई पुरश उन्हां दे गुणां नूं कथन करके अंत लैणा चाहे, नहीं हो सकदा, उहदा ही अंत हो जांदा। ब्रह्म ज्ञानी दा अंत नहीं हुंदा, नाले ब्रह्म ज्ञानी दे बराबर आपां उहदी बिरती मुताबक उहनूं जाण नहीं सकदे। लोकी छाला मारदे ने, असीं ब्रह्म ज्ञान दी बिरती नूं फड़ लांगे, असीं ऐं कर लांगे। ब्रह्म ज्ञानी दा तां हिसाब किताब वखरा ही हुंदा। महाराज कहिंदे जे बाहरों भुल चुक बोलदे भी खरे हर भाणे, ब्रह्म ज्ञानी नूं ना पुन लगे ना पाप लगे, असीं उहनूं की कहिणा। ब्रह्म ज्ञान दी अवस्था विच माफ ही हो जांदा सारा कुछ। जिवें परमेश्वर है, परमेश्वर जे अज सारी दुनिया मुका देवे, उहनूं थोड़ी पाप लगण लगदा ही नहीं। सारी दुनिया एक होर बना देवे, उहनूं फिर पुन नहीं लगदा। वह ब्रह्म ज्ञानी परमेश्वर च जिहड़े लीन हुंदे ने, वह जो मर्जी इत्थे कर देण ना कर देण, उहनां नूं दोनां गल्लां नाल कोई मतलब नहीं हुंदा, ना पुन ना पाप, क्योंकि नाम दे विच लगे हुए ने, उहनां दे अंदर उही प्रकाश है जो परमेश्वर विच है। तिथे लोआ लोआ आकार, उन्हां बख्शिश कांड वालियां दे जिहड़े आकार ने ना, भाव व्यक्ति अंदर परमेश्वर दा लो लो प्रकाश ही प्रकाश हुंदा। जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार, जिवें जिवें परमेश्वर दा हुक्म हुंदा उवें उवें कम करदे। तिथे लो लो आकार, जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार, जिथे बख्शिश कांड वाले भगत रहिंदे ने, उह जगह दित्ते श्रद्धालु ही लोकां दी आकार सेवा टहल करन वास्ते आके रहिंदे ने। उपासना वाले वड्डे भगत जिस जिस प्रकार हुक्म करदे उवें उवें कम करदे ने। वेखै विकसै कर विचार, कहिंदे वड्डे भगतां द्वारे सेवा करन वाले छोटे जगियासु लोक वेदां शास्त्रां दा विचार करके, गुरु दे शब्द दा विचार करके, सत्य सत दे निर्णय दा विचार करके, अपने स्वै स्वरूप नूं देख के खुश हुंदे ने अंदरों। नानक कथना करड़ा सार, धन गुरु नानक देव जी कथन करते हैं कि उपासना करन वाले बख्शिश काण वाले भगतां दे संपूर्ण जस दा कथन करना दा करड़ा सार फलाद वांगू करड़ा है। जीव दी बाणी उन्हां दे समग्र जस नूं कथन नहीं कर सकदी। जे महाराज ने वचन कीता, साध की महिमा वेद ना जानै, जेता सुनै तेता बख्याना, गुर की महिमा वेद ना जानै, तुच्छ मात सुन सुन बखाणा। इस करके महाराज कहिंदे ने, तिथै खंड मंडल वर पंड, तिस परमात्मा विच नौ खंड मंडल, 400 कोहां दा ते वर पंड ब्रह्मंड, वड्डा भाडा समुंदर, ये सारे अध्यस्त भाव कल्पत रूप च वस रहे ने। देखण नूं ने सारियां चीजां, पर है नहीं वास्तव दे विच। जे को कथा तां अंत ना अंत, जे कोई उन्हां खंडां ब्रह्मंडां नूं कथन करे, परमेश्वर दे गुणां नूं कथन करके अंत लैणा चाहे, तां उह अंत नहीं पा सकदा। तिथै लो लो आकार, जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार, कहिंदे उह परमात्मा विच लोकां ही लोकां दे आकार ने,
इत्थे लोअ लोअ तो भाव प्रकाश ही प्रकाश दे आकार ने, असल भाव अर्थ यह है। चौदह लोग जिन्ने एक लोग ने जीआं दे आकार ने सारे कल्पत रूप ने, पर जिदे जिदे परमेश्वर का हुक्म हुंदा उवें उवें जीव काम करदे ने। जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार, कहिंदे तिथे सचखंड की अवस्था इत्थे कथन कीती है। तिथे लोअ लोअ आकार सामने बैठे ऐं जिवें आपां बैठे हैं, इउं बैठे भी ने रब दे प्यारे, पर शरीर नहीं हुंदा उत्थे, उत्थे प्रकाश का आकार बैठा हुंदा। लोअ लोह कई लोगों के आकार भाव धरती तो बिना होर धरतियां दे आके रब दे प्यारे प्रकाश स्वरूप आत्मा उत्थे बैठी है उन्हां दी। जिव जिव हुक्म हुंदा उवें उवें कार करन जांदे ने। जिवें दसवें पातशाह कहिंदे मैनूं हुक्म कीता ते मैं इत्थे संसार दे अंदर तां आया, हुक्म हो गया चलो भाई संसार दे अंदर प्रचार करना जाके। इउं रब दे प्यारे नूं हुक्म हुंदा जिवें जिवें उवें उवें आके कार करदे संसार दे उत्ते। महाराज की कृपा नाल वेखै विगसै कर विचार, कहने ये गल नूं विचारो कि परमेश्वर अपनी रची हुई जिहड़ी संसारबाजी नूं वेख के आप ही प्रसन्न हुंदा। सो जिवें बच्चा अपनी गेम नूं देख के आप ही हसदा रहिंदा, आप ही सुट दिंदा, आप ही बना लैंदा, आप ही ऐं करदा, परमात्मा भी अपनी खेड खेड रहा। सृष्टि की वड्डी सारी खेड है, कदे दैंत बनाते लड़ाते देवत्यां नाल, कदे देवते लड़ाते, हुण भी ऐं करदा। मंद बुद्धियां नाल बुद्धि वालां नूं लड़ाई जांदा, नास्तकां नूं आस्तकां नाल लड़ाई जांदा। नास्तकां नूं पहलां तां चढ़ाई जाऊगा टिले ते पूरे चढ़ा के एकदम थले सुट के आस्तकां दी जित करा दिंदा। यह उहदी खेड ही है सारी परमात्मा दी। नास्तकां नूं पहलां कुछ नहीं कहना, करी जाओ, पहलां उह समझदे वे असीं ठीक हां, असीं ठीक हां, असीं ठीक हां। अखीर जाके पता लगता कि असीं तां गलत हां, असीं बड़ी भारी गलती कीती, सानूं तां पता ही नहीं सी जी इन्हां गल्लां दा। नानक कथना करड़ा सार, धन गुरु नानक देव जी कथन कर दे, परमेश्वर दे जस दा कथन करना सार तो भाव सोने वांग करड़ा ते बरीकी वाला भी है, सार तो भाव सार तत लोहे वर्गा भी है। कहिंदे कथना करना बहुत औखा, परमात्मा दा कथन नहीं कीता जा सकदा। इउं सतगुरु महाराज ने इस 37वीं पौड़ी च 194 अखरां द्वारा आपां नूं पावन उपदेश दी दात बख्शिश कीती है। सतगुरु महाराज ने कृपा की, हले भी आपां इह पौड़ी दे बहुत सूखम जिहे अर्थ कीते ने, बहुत डूंघाई च नहीं गए हां। तुहानूं लगदा होगा डूंघाई दे अर्थ हो गए ने, पर वह तो उधर ही किए हुए पहले ही कर चुके सारे अर्थ, जिथे बहुत डूंघाई विच। यह अखीरली स्टेज है ब्रह्म ज्ञानी की। नानक कथना करड़ा सार, सत्तवीं भूमिका इत्थे आके मुक जांदी। सत्तवीं भूमिका, अठवीं भूमिका सतगुरु की अपनी भूमिका है, जिथे बाबा बुढ़ा जी, भाई पारो जी, बाबा गुरबख्श सिंह राम कुर तीन जाने गए ने, क्योंकि कहा सी बाबा जी ने, बाबा जी तुसी अगे संभालो सेवा, कहने ना महाराज। भाई पारो नू तीजे पातशाह कहने अगे आ जाओ, तुसी चौथे पातशाह बन जाओ, कहने ना महाराज। बाबा गुरबख्श सिंह राम कुर भी इस अवस्था के मालक से। वह अठवीं अवस्था कल नू श्रवण करांगे, सतगुरु कृपा करनगे। जात पहारा धीरज स्नेहार अठवीं भूमिका, ਉਹ ਇਹ ਤੁਰਿਆ ਅਵਸਥਾ, ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਅਤੀਤ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਤੁਰਿਆ ਅਤੀਤ ਅਵਸਥਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਬਣਦੀ ਉਹ ਸੱਤ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ। ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਬਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਬਖਸ਼ਣੀ। बस यही बेनती करांगे, बहुत सारे लोगों के फोन आते ने जी आ कहिंदा फलाना आ कहिंदा, बस जे सिखो तो डटे रहो अपने थां ते, किसे दे कहण सुन दी कोई लोड़ नहीं है। बस बाबा दीप सिंह ते यकीन रखो, सो महापुरखां सारिया ब्रह्म ज्ञानियों ते यकीन रखो। असी सधारण व्यक्ति नूं मनते ही नहीं, मानता ही नहीं दिंदे, असी उन्हां बंदिआं नूं मनते ही नहीं जिहड़े बंदिआं दे अंदर ज्ञान नहीं। ब्रह्म ज्ञान वाला जिदन कह दो कोई गल उदन मन्नांगे, ब्रह्म ज्ञानी कहे कोई गल, ब्रह्म ज्ञानी तो थले थले तो असी किसी की गल मन्नन नूं तैयार ही नहीं। इस करके जो कोई मर्जी बोली जावे लिखी जावे, दसवें पातशाह की बाणी तो निश्चा नहीं डलाउणा, जिहड़ा डलावेगा वह अपने आप नूं परे ही रख लवे मैं सिख ही नहीं हाँ। बस इत्थे मन अपना खड़ा लैणा, लिया के
क्योंकि यह सारिया चीजा असी तो प्रैक्टिकली तौर पर देखिया हुई हर एक चीज परख्या देखिया मन ही नहीं मानता कि महाराज सच्चे पातशाह किसी बाणी से किंतु कर जाइए। इस करके नास्तिकता भरे लोग ने जेडे किंतु परंतु करते हैं इन गलों के उत्ते किसी ने विश्वास नहीं करना। महाराज ने कहा मैं सिक्ख्या देने लई सब कुछ लिखिया मेरे मन च कोई विकार नहीं जां मैं माड़ी भावना नाल कोई चीज नहीं लिखी। लोगों के न्याणे डॉक्टर बनते हैं तो डॉक्टरी विच की नहीं पढ़ाया जाता बच्चे नूं किहड़ा अंग नहीं दस्या जाता कि बीमारियां लगदियां कहिंदे जे मैं दस दिता तां की हो गया बीमारियां कित्थों लगदियां किवें हुंदियां दुनिया च पिछे माड़े लोगों ने की काम किए माड़े ताकि उन्हां तों सीख के असीं गलती ना करिए असीं माड़े पासे ना जाइए। इस करके अकाल की उस्तत की है विचित्र नाटक लिखिया महाराज ने जाप साहब के अकाल उस्तत है अकाल की नमस्कार कीतियां परमात्मा नूं जो है सो सच है। इस करके जिन्हें सच मनना खंडे की लकीर खिंचती महाराज ने जिन्हें तो टप्पणा बाबा दीप सिंह कहिंदे ओ आ जाओ इधर जिन्हें मरना तो जिन्हें नहीं मरना घर का मोह करना उधर रह जाओ सारे टप्पे आए हुण भी खंडे की लकीर है जिन्हें टप के आना वह आ जाओ जिन्हें नास्तक वजाना नास्तक बनना जिवें मर्जी नास्तक बनया रहे बस ये को महाराज दे उत्ते जे भरोसा जे शरदा है फिर सतगुरु ने जो लिख दिता सत 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 करके मरना उन्हों विश्वास नहीं डलाना जिन्हों का विश्वास डोल गया उन्होंने प्राप्ति नहीं होनी। इस करके विश्वास नहीं डलाना अपना निश्चा रखना बस सच्चे पातशाह तुसी धन हो तुसी सत हो यों कह के अकाल पुरख का जाप करना वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चाचरी छंद त्वै प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे गोबिंदे मुकंदे उदारे हरियं करियं निरनामे अकामे हरियं करियं गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे गोबिंदे हरियं करियं निरनामे अकामे हरियं करियं निरनामे गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे गोबिंदे मुकंदे हरियं करियं निरनामे अकामे हरियं करियं गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे गोबिंदे मुकंदे हरियं करियं निरनामे अकामे हरियं करियं गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे गोबिंदे मुकंदे उदारे हरियं करियं निरनामे अकामे हरियं करियं वाहिगुरु 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 वाहि वाहिगुरु 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 दुकालं परणासी दयालं स्वरूपे दुकालं परणासी सदायंग संगे अपंगं बेपूते सदायंग संगे अपंगं बेपूते दुकालं परणास दयालं स्वरूपे दुकालं परणासी
सदा अंग संग अपंग अंग बेपूते सदा अंग।